मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। सैफई स्थित उनके पैतृक आवास पर जाकर अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मंगलवार को सैफई में राजकीय सम्मान के साथ होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी भी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। जनपद के 154 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। राप्ती नदी व घाघरा नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से। ऊपर जिलाधिकारी ने कहा बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री का करवाया जा रहा है वितरण। गांव में लोगों के आने जाने के लिए लगवाया गया है नावें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। सपाइयों ने कहा नेताजी के निधन से हम लोगों को लगा है सदमा। उनका जाना हम लोगों के लिए है बहुत बड़ी क्षति। घर में घुसकर मोबाइल व घड़ी चुराने वाले अभियुक्त वीरू उर्फ शेरू निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का मोबाइल व घड़ी किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को बड़हलगंज थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में नाव पलटने से 2 व्यक्तियों की डूबने से हुई मौत। जिला प्रशासन मृतक दोनों व्यक्तियों के परिजनों को उपलब्ध करवा रहा है 4 लाख की सहायता राशि। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। दान पात्र की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों राधेश्याम यादव व धीरज विश्वकर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,565 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा कि यह देश की है बहुत बड़ी क्षति। नए युवा नेताओं को स्वर्गीय मुलायम सिंह के कार्यों से लेना चाहिए सीख। अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्त दीपू पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देसी शराब व 400 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय गोष्ठी का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने कहा हमारे सामाजिक संबंधों के टूटने की वजह से हो रही है मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए करना चाहिए व्यायाम। और जनपद में लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से नदी में न जाने की अपील।